दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दाल बहुत ही बनाने में इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक सिंपल सी दाल की रेसिपी। दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। हम कुकर में दाल बना रहे हैं, इससे हमारा जो दाल है वो झटपट बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो कुकर में डाल देंगे हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में हम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसमें हम डाल देना है 1/2 चम्मच साबुत जीरा। तेज़पत्ते को तोड़ करके हमें डालना है। दोनों ही चीज़ों को अब हम सौटी होने देते हैं। जीरा हमारा सौटी हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च हम डाल देंगे। अब प्याज को भी यहाँ पे हम सौटी कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो हमारा है वो हल्का सा सौटे होने लगा है। तो ये हल्का सा जब गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो अभी गोल्डन कलर में ये नहीं आया है, तो थोड़ा सा हम इसे और सौटे कर लेते हैं। अब जो हमारा प्याज है वो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 2 टमाटर। इसी के साथ हम अदरक और लहसुन को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने ले लिया है और उसे अच्छे से कूच दिया है। और कूचने के बाद इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे थोड़ी देर यहाँ पे हम भून लेंगे। अदरक और लहसुन को यहाँ पे हल्का सा मैंने भून लिया है। तो अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर और अब हम 1/2 चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच फिर थोड़ा सा कम ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे ऐड किया है। मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे 1/2 चम्मच से हल्का सा कम ही मैंने डाला है गरम मसाला का पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मसालों को यहाँ पे हम कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे मसाले हल्के से कुक हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम दाल ऐड कर देते हैं। तो दाल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्स दाल का इस्तेमाल किया है, जिसमें 1 मुट्ठी मैंने चना दाल और उसके बाद 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पे अरहर दाल, 1 मुट्ठी मूंग दाल और उसमें 1/2 मुट्ठी मैंने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मसूर की दाल का भी इस्तेमाल किया है। इससे जो हमारी दाल बनेगी वो काफ़ी गाढ़ी और अच्छी बनेगी। तो मसूर की दाल आप 1/2 जो मुट्ठी है वो ज़रूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। तो सभी दाल को यहाँ पे मैंने जो मसाले तैयार किए हैं उसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 1/2 से 1 मिनट यहाँ पे हम मसालों को के साथ दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। दाल को फ्राई करते हुए यहाँ पे हमें 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेते हैं। पानी यहाँ पे जितना गाढ़ा आपको दाल रखना है उससे 1.5 गुना आपको पानी डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे दाल को कुक भी करेंगे और दाल को कुक होने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त यहाँ पे हमें लग जाएगा। तो 1.5 पानी यहाँ पर आप डालिए। अगर आपने जितनी गाढ़ी दाल रखनी है उसका 1.5 गुना पानी यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करना है नमक। तो नमक यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं 1 चम्मच और 1/2 चम्मच 1.5 चम्मच नमक यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर ले रहे हैं। कुकर का ढक्कन यहाँ पे हम लगा लेंगे। 4 सीटी फुल फ्लेम पे हम आने देंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो पे 10 मिनट हम दाल को कुक होने देंगे। उसके बाद जो हमारी दाल है पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। तो पहले हम 4 सीटी यहाँ पे आने देते हैं। दाल में यहाँ पे 4 सीटी आ चुका है, तो अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे अब हम इसे 10 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो ये देखिए हम
हमारा जो दाल है वो अब अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देखिए। दाल को एक हम बाउल में डालेंगे और अब इसमें लास्ट प्रोसेस बचा है तड़का लगाने का, तो हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कलछुल ले लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं शुद्ध देसी घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, और कोई भी चीज़ यहाँ पे हम नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सारे जो मसाले हैं दाल बनाते समय वहाँ इस्तेमाल कर लिए हैं, तो इसलिए सिर्फ जीरा से यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे। तो अब जीरे को अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई होने देते हैं। जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे। और ये देखिए मिक्स दाल तड़का हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।